हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र वर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एन वी एडू हब। सो आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्रू अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन हेल्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। सो एन्जॉय इट। Student: Sir, what is the concept of cash flow statement? Teacher: I can explain it to you, but if you don't mind, first let me know how much money do you have right now? I don't mind telling you, sir, I have rupees 100 only. I hope you won't borrow it from me. Don't worry, I won't borrow it from you. In fact, I will give you some money. Are you ready? It sounds great. I'm ready, sir. Okay, take this rupees 100 and tell me how much money do you have now? I have rupees 200 now. Good. Give me rupees 50 out of that. Take it, please. Tell me how much money do you have now? Now I have rupees 50. Correct. Now you have learned the concept of cash flow statement. Really, sir? Listen carefully now. Sure, sir. Initially, you had rupees 100 that was opening balance of cash with you. Then I gave you rupees 100 that was inflow of cash. Then you gave me rupees 50 that was outflow of cash. Now you have rupees 150, it is closing balance of cash. Oh, I see. But sir, how would the companies determine all this as they have various inflows and outflows in a year? I knew it, you would ask the same question. Listen, for the same, a company prepares cash flow statement. Now let's understand what cash flow statement is. Alright, sir. Alright, friends, after listening to this beautiful conversation between a teacher and a student, now let's discuss the meaning of cash flow statement. Right, so here you can see there are three terms: cash flow and statement. Let's understand the meaning of all these three terms separately. Sabse pehle baat karte hain cash ki. Hum sabhi log jante hain what is the meaning of cash. Cash matlab liquid form mein pada hua nagad. Theek. अब जब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो यहाँ कैश के मायने थोड़े से बदल जाते हैं। यहाँ हमारा कैश का मतलब क्या है, पूरा टर्म जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। राइट, हम बोलते ज़रूर कैश हैं, लेकिन हमारा उससे मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स कैश में कैश इक्विवेलेंट्स भी शामिल है। राइट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट? ओके, इक्विवेलेंट मींस कैश के बराबर, यानी कि इसमें हम उन चीज़ों को रखेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को रखेंगे जिनको बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको हम लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। ओके, देखें जरा क्या क्या इसमें शामिल है। पहले बात करें कैश में, तो कैश इन हैंड, जो आपके बिजनेस में खुला कैश पड़ा हुआ है वो कैश इन हैंड हो गया। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज़ कैश एट बैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये आपका कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है भाई? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मीन्स फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो उनको आप कभी भी बेच सकते हैं, वो आप लिक्विड एसेट्स हैं। राइट, तो ये आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आएंगे। इसके अलावा आपके ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, ओके, कॉल मनी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल हैं। कई बार बुक्स में इसे करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बताया दिया जाता है। बस इतना माइंड में रखें कि शॉर्ट टर्म में इसको बेचकर तुरंत कैश कन्वर्जन हो सकता है, इसीलिए इनको हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, और यहाँ पर इनका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ओके, और ये आपके इक्विवेलेंट्स में शामिल होते हैं, याद रहेगा अब आपको। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट। Now let's move further towards the other term, that is flow. Flow means movement of cash and cash equivalents. जो भी हमने डिस्कस किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसका मूवमेंट। अब मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, वन इनफ्लो एंड अनदर इज आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स वैन
cash and cash equivalent come inside the business, okay, which is also known as receipts, यानी कि पैसा हमारे business में आ रहा है. Outflow means when cash and cash equivalent goes outside the business, means payments, यानी कि पैसा हमारे business से जा रहा है. ठीक, कह सकते हैं हम इनफ्लो मीन्स इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पैसा हमारे पास आएगा तो जो हमारे पास पहले से पैसा था उसमें और इंक्रीजमेंट होगा. और यहाँ आउटफ्लो मतलब डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मीन्स जो हमारे पास पहले से पैसा था अगर आउटफ्लो होगा तो उसके अंदर डिक्रीज होगा. क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो हियर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टर्म विच इज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह की रिपोर्ट होती है जिसे एक फिक्स्ड फॉर्मेट में बनाया जाता है. और क्या बताती है ये? ये बताएगी कि आपके एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ पूरे साल भर के अंदर. साल भर के अंदर कई सारे इनफ्लोज हुए होंगे, कई सारे आउटफ्लोज हुए होंगे, तो फाइनली व्हाट वाज आउटकम, कितना इंक्रीज में रहा या डिक्रीज में रहा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर. Initially, whatever company had, that is known as opening balance of cash and cash equivalent. Okay, then what happened? Kuch inflows hue, kuch outflows hue. To inflows ko humne jod diya aur outflows ko minus kar diya. Iske baad nikal ke aa gaya ki net kya hua? Increase hua ya decrease hua hamare cash and कैश इक्विवेलेंट्स में. ओके, अब आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान सी बात हो गई. इतनी आसान सी बात नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये जो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज देखा जाता है, ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ में देखा जाता है. उनको हमें सेपरेट करना होता है. इनफ्लोज भी हमें सेपरेट करने पड़ेंगे, आउटफ्लोज भी हमें सेपरेट करने पड़ेंगे, फिर उन तीन एक्टिविटीज़ का सेपरेटली नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाला जाएगा, फिर उन तीनों को कंबाइन किया जाएगा. आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो ये लिखा हुआ है, यानी कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. फ्लो का मतलब है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. स्टेटमेंट का मतलब है अ रिपोर्ट और अ स्टेटमेंट इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट प्रिपेयर्ड ऑन नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम इसकी एक डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं. दैट्स रिटन हियर. Cash flow statement is a statement, or you can say a report, that shows the flows of cash and cash equivalents during one accounting period. Right? When we say flows, flows means inflows and outflows. All right? Okay. So cash flow statement एक ऐसा statement या report है जो कि cash and cash equivalents का एक accounting period में flow दर्शाता है. ठीक, कि कितना आया और कितना गया. ठीक है ना? और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, दैट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, विच इज आल्सो नोन एज AS3 रिवाइज्ड. ओके, इसको याद रखिएगा. दैट इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब ये किस तरीके से बनता है, यू कैन हैव अ लुक. ओके, इस तरीके से प्रिपेयर होता है. जब हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे, then I'll tell you how to prepare this format and how to solve a question. Right? Now let's move further towards the objectives of cash flow statement. What are the objectives? तो अगर आपने meaning को अच्छे से समझा है, जो तीन term हैं, cash, flow and statement, इसी में कहीं ना कहीं इसके objectives भी छुपे हुए हैं. कैसे? देखते हैं. देखिए, to determine the sources of cash and cash equivalents. Sources यानी कि receipts. Receipts यानी कि inflows. यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है. अंडर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि तीन एक्टिविटीज़ में सेपरेट करके देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आया. इन तीन एक्टिविटीज़ का हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ एक ब्रीफली आपको जानकारी दे देते हैं. ऑपरेटिंग मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं मेनली. फॉर एग्जाम्पल कि हमारा बिजनेस है शू मैन्युफैक्चर करने का, तो शू के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे
और उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचेंगे, तो खरीदने में जो हमारा खर्चा हुआ वो सब आउटफ्लोज में चला गया, और उसको बेचने के बाद जो हमारी इनकम हुई वो इनफ्लोज में हो गया। सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कितना यहाँ से इनफ्लो आया, राइट। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। जब हमारे बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि सरप्लस मनी पड़ा होता है, तो सरप्लस मनी को अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा पैसा और बढ़ जाता है, तो उससे भी कई बार आपकी इनकम होती है, तो वो इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ओके, सेपरेटली उस पर खर्चे भी हो सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में आपको पैसा उधार लेना भी पड़ता है मार्केट से, बैंक से, और कई बार उधार देना भी पड़ता है। तो उधार देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, तो उससे इनकम होती है, तो वो इनकम आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, राइट। या आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड आपकी इनकम हो गई, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि ये डिटरमाइन करना है हमें कि हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के सोर्सेज क्या हैं अंडर ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज सेपरेटली। सिमिलरली यहाँ पे हमें ये भी डिटरमाइन करना होगा सेकेंड ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि अब हमारे पेमेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो भी अंडर ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, या मैंने आपसे बात की कि हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो वो आउटफ्लो हो गया, वो यहाँ पे आएगा, और उसको उस फिनिश गुड्स को सेल आउट करेंगे तो वो हमारा इनकम हो गया, वो यहाँ ऊपर आ गया, वो हमारा सोर्स कहलाएगा। और एप्लीकेशन रॉ मटेरियल के परचेज में जो हमारा अमाउंट किया, दैट विल बी नोन एज एप्लीकेशन। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग में जो हमारी इनकम हुई वो हमारा सोर्स हो गया, और उसके ऊपर हमें कुछ खर्चा करना पड़ जाता है, कुछ भी फीस वगैरह देनी पड़ जाती है, सो दैट इज़ नोन एज दी आउटफ्लो और एप्लीकेशन। इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए आउटफ्लो हो गया। ओके, सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू डिटरमाइन दी एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर दीज थ्री एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं इनमें कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। पहले इनका सेपरेटली हम नेट चेंज निकालेंगे, फिर इन तीनों को हम कंबाइंड करेंगे, तब देखेंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था उसमें इन थ्री एक्टिविटीज़ के होने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, राइट। विच इज़ रिटन हियर, डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस, लाइक आई टोल्ड यू, अंडर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। और ये सब हमें देखना होगा बिटवीन द डेट्स ऑफ द टू बैलेंस शीट्स, राइट। क्योंकि कंपैरिजन हमें करना है, इंक्रीज डिक्रीज हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास पिछला कोई बेस हो। तो लास्ट ईयर का हमारे पास बेस होगा, करंट ईयर के फिगर्स होंगे, तब हम बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो दीज आर दी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन दी सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, टू डिटरमाइन दी एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, राइट। एज आई टोल्ड यू, ये जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो इट वॉज ऑल अबाउट दी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपने बहुत अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसेप्ट को समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।